क्लास 10th ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिम्बॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि दो ट्रायंगल गिवेन है तुम्हें, ठीक है, एक दे रखा ABC और एक दे रखा PQR। तो इन ट्रायंगलों में क्या दे रखा, एक एंगल दे रखा 60 एंगल ए और बी दे रखा 80 और सी दे रखा 40। उधर पी दे रखा है 60, क्यू दे रखा 80 और आर दे रखा 40। तो हमें इन क्वेश्चनों को करना कैसे है, हमें सिमिलरिटी ये देखनी है। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है एंगल एंगल साइड एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल एंगल, एक होती है साइड 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 और एक होती है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल, इसमें ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो देखते हैं हम कौन कौन से एंगल आपस में मिल रहे हैं एक जैसे ले रहे। देखते हैं यहाँ पे क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए एंगल पी, एंगल पी कितना है, ये 60 ये भी 60 डिग्री, ठीक है। इधर एंगल बी एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री, ठीक। अब एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, ठीक है। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या होगा, किस इसमें जो है ये सिमिलर हो गया, सिमिलर का कैसे सिंबल लगाते हैं इस तरह से, सिमिलर का सिंगल हो गया। और इसे किस से कहेंगे हम, एंगल 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 बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये सिमिलर प्रूफ होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। इस ट्राइंगल का एंगल ए, इस ट्राइंगल का एंगल पी, दोनों 60, इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल क्यू, दोनों 80, इस ट्राइंगल का एंगल सी, इस ट्राइंगल का एंगल आर, दोनों 40। तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गए, ठीक है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में देखो दो ट्राइंगल दे रखे ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर कोई एंगल नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे साइडों को, लेकिन साइडों को अरेंज कैसे करना है, साइडों को अरेंज ऐसा करना है कि रेशो, यानी कि रेशो जो है उनके बराबर आए, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी बराबर आनी चाहिए। तो रेशो कैसे बराबर आएंगे हम देखें, हम यहाँ लिखें इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या देखें, ए बी, ए बी अपॉन ए बी कितना 2 और यहाँ क्यू आर कितना 4, तो मैं ले लूँ क्यू आर, ठीक है, ए बी कितना 2 अपॉन क्यू आर 4, ठीक। इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, रेशो देखने हमें कि कैसे एक जैसे हैं। तो उधर क्या देखें, ए सी, ए सी अपॉन पी क्यू, पी क्यू कितना आ गया, ए सी कितना इसमें 3 अपॉन पी क्यू कितना 6, ठीक है। अब क्या देखें, बी सी बच रहा ना, बी सी अपॉन यहाँ पी आर बच रहा है, पी आर इज इक्वल टू बी सी कितना 2.5, इधर ही पी आर कितना 5। तो देखो इसको काटूंगा 2 × 2, 2 × 4 क्या रेशो आया 1/2, इसे करा 1/2 आया यहाँ पे भी, ठीक है। इसका पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना 25/50, इसे भी काट लो 25 × 25, 25 × 2 = 50,
वन अपॉन टू। तो यहाँ क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि सबकी साइडें सेम रेशो में आ रही है, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। तो मैं क्या लिखूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, ये हमारा होगा साइड बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। समझ आ गया ना? ठीक है भाई, हमने इनके रेशो देखे, वो रेशो इनके दोनों ट्राइंगलों के बराबर बराबर आ रहे हैं, साइडों के रेशो। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, किससे, बाय साइड साइड साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट में क्या है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं इसमें भी, एल एम पी और डी ई एफ। इसमें क्या दे रखे हैं, साइड दे रखे हैं। ठीक है, इन इनकी साइडों को देखते हैं। तो इसमें क्या लें, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ हम क्या देखें भाई, देखो एम पी का रेशो और यहाँ डी ई या ई डी का रेशो, टू अपॉन फोर हो रहा, इसे लिखते हैं, क्या लिखें, एम पी अपॉन ई डी इज इक्वल टू कितना, एम पी टू और ई डी कितना, फोर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पी एल ठीक है ना, पी एल और उधर डी एफ, पी एल कितना, थ्री, डी एफ कितना, सिक्स। ठीक है, और तीसरा क्या देखते हैं भाई, तीसरा देखते हैं क्या बच गया, अब देखो एम पी हो गया, एम पी हो गया और पी एल हो गया, तो क्या बचा, एल एम, क्या बचा, एल एम अपॉन, इधर क्या हो गया, देखो इधर हो गया हमारा ई डी हो गया, ई डी हो गया, डी एफ हो गया, डी एफ हो गया, अब ई एफ बच रहा, ई एफ, और एल एम कितना है, 2.7, इधर ई पी कितना, ई एफ कितना, ये 5 है। ठीक है, अगर मैं इसको काटूँ तो 2 बन जा, 2 2 जा, ये कितना है, 1 अपॉन 2 का रेशो, ये 3 बन जा, 3 2 जा, ये कितना है, 1 अपॉन 2 का रेशो। लेकिन ये नहीं कटेगा भाई, पॉइंट टर्म को 0 बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो गया, अगर पॉइंट भी डाल दूँ, 0 डाल दूँ तो कितना होगा, 27/50। ठीक है, तो ये तो कट ही ना रहा, नहीं कट रहा ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एम पी अपॉन ई डी इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू बराबर है पी एल अपॉन डी एफ के। ठीक है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, एल एम इज नॉट पैरेलल किसके, नॉट इक्वल टू ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, तो हम यहाँ कहेंगे कि इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई, दो तो साइड है सेम आ रही है, 1/2, 1/2, लेकिन तीसरी साइड सेम नहीं आ रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। समझे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में भी दो ट्रायंगल गिवन है हमें, क्या है, एक ट्रायंगल है एम एन एल, दूसरा है पी क्यू आर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तो एंगल गिवन है, ठीक है ना, दोनों में एक एक एंगल गिवन है और दो साइड गिवन है। देखो एंगल के इस साइड की साइड गिवन है, दूसरी साइड की गिवन है, इधर भी एंगल के इस साइड की साइड गिवन है और दूसरी साइड भी गिवन है। तो हम इसका देखो क्या करें, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एन एल और ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, हम इसमें लिखते हैं एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन कितना है, एम एन हमारा है 2.5 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा 5 है। ठीक है, इधर दूसरे पर जाओ, अब देख लो भाई, एम एल अपॉन क्या है, क्यू आर, ठीक है, ये कितना है,
एम एल कितना है, एम एल है 5, ठीक है, और क्यू आर कितना है 10। अगर मैं इसका पॉइंट हटा के यहाँ नीचे का 0 बढ़ा दूँ तो क्या होगा, ये 25/50, 25 बन जा 25 टू जा, ये कितना है 1/2 का, ये कितना है 5 बन जा 5 टू जा, ये कितना है 1/2 का रेशियो। ठीक है, देखो दो साइड गिवन है, दोनों साइड बराबर है आपस में, उधर एक एंगल दे रखा है, तो एंगल एंगल एम इजिकल टू किसके बराबर है, एंगल क्यू के, ठीक समझ आया ना। तो अब यहाँ क्या हुआ कि ट्रायंगल ये कितने कितने के, मतलब एंगल एम और एंगल क्यू कितने कितने के, 70 के ना दोनों दोनों, ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे, साइड बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, हो गया ना भाई, दो साइड है और एक एंगल है, एक साइड एक एंगल एक साइड, यानी दो साइड एक एंगल, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा सिमिलर, ठीक है। सेकंड, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, इसमें भी ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और इधर डी ई एफ, लेकिन इसमें एक चीज देखो आप कि एक एंगल जो ए है कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, उसकी एक साइड दे रखी है, फिर उससे अलग दूसरी साइड दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक एंगल गिवन है, कौन सा, एफ, एफ की क्या साइड है, इधर की साइड जो है 80 है और इधर की साइड कितनी है, ये है तुम्हारी 5, ठीक है, और इधर है तुम्हारा 6। तो देखो यहाँ तो एंगल बीच में पड़ रहा है, दोनों तरफ की साइड गिवन है, दिख रहा ना, एंगल के बीच, एंगल बीच में है और दोनों की साइड गिवन है, लेकिन यहाँ तो एंगल की एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे ही नहीं रखी, ठीक है, तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं बैठ रही, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, इसे सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं हम क्या, कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन इट, इन इट इंफॉर्मेशन, इन इट दिस इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन इज नॉट इनफ, ठीक है, इसमें जो है ये इंफॉर्मेशन हमें, हमारे लिए इनफ नहीं है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर, ठीक है, समझ में ना, देखो दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इसमें एक एंगल दे रखा, एक एंगल की एक साइड गिवन है, दूसरी साइड नहीं है गिवन, और इधर क्या है, जो ट्राइंगल दे रखा है इसके दोनों, जो एंगल दे रखा है इसके दोनों ही साइड गिवन है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए इनफ नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में, एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के, ठीक है, समझ आ गया ना। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में देखो एक दो ट्रांग, इसमें क्या दे रखे हैं, दो दो एंगल दे रखे हैं दोनों में, लेकिन एक दे रखा 70, एक दे रखा 30, एक दे रखा 80, दूसरा दे रखा 80, एक एंगल तो दोनों में कॉमन है 80-80 का, लेकिन एक तरफ 70 एक तरफ 30 है, ठीक है, तो हम क्या करें, हमें तीसरी, हम तीसरा एंगल निकाल लें, कैसे निकाल लें, हमें पता है कौन सा, सम एंगल प्रॉपर्टी नहीं होती जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लिखेंगे इन इन ट्राइंगल किसमें, डी ई एफ, इसमें क्या, एंगल डी प्लस का एंगल ई प्लस का एंगल एफ इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है, कौन सी, इसे हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, एंगल डी कितना 70 प्लस एंगल ई कितना, ये है 80 तुम्हारा, प्लस का एंगल एफ निकालना है इजिकल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो गया 150 प्लस का एंगल एफ इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये क्या, तो एंगल एफ इजिकल टू 180, ये 150 इधर से इधर आ गया तो माइनस का 150 हो गया, कितना
कितना बचा 30 डिग्री, ठीक है जी। एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री, ये हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देख लो, इन ट्राइंगल इसमें पी क्यू आर में, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस का एंगल क्यू प्लस का एंगल आर इजिकल टू 180 डिग्री, किससे, सम एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल पी कितना पता नहीं, निकालना है। एंगल क्यू कितना 80, एंगल आर कितना 30 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 110 हो गया ना, इधर कितना 180, ठीक है। अब कितना बचा भाई बताओ, ये बचा तुम्हारा एंगल पी इजिकल टू 180, इधर से इधर गया माइनस का 110, तो कितना बचा, ये बच गया 70 तुम्हारा, ठीक है। 180 में से 110 गया तो 70, एंगल पी इजिकल टू कितना गया 70 डिग्री, ठीक है। इधर लिख लें हम 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो भैया, अब इसमें क्या है, एंगल डी 70, एंगल पी 70, एंगल ई 80, एंगल क्यू 80, एंगल एफ 30, एंगल आर 30, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल किसमें, डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक। एंगल डी इजिकल टू एंगल पी कितना 70 डिग्री, एंगल ई इजिकल टू एंगल क्यू इजिकल टू कितना 80 डिग्री, एंगल एफ इजिकल टू एंगल आर कितना 30 डिग्री। तो अब यहाँ देखो कि हमें क्या हुआ कि हमें एंगल 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 गिवन है, तो मैं क्या लिखूँगा, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर, किससे, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई। हमें क्या था इसमें, हमें दो दो एंगल की बनते थे दोनों ट्राइंगलों में, तीसरा हमने निकाल लिया किससे, सम एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, निकाल लिए दोनों। निकालने के बाद देखा हमने दोनों ट्राइंगलों के एंगल सिमिलर सिमिलर आए थे, एक जैसे रहते थे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है बेटा। वीडियो पसंद आती है और कुछ ज्ञानवर्धक लगती है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए अगेन थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 2। एक इस क्वेश्चन में एक हमें दे रखा है डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, हमें ये जो डायग्राम बना हुआ है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसमें एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ये जो गिवन है इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि हमें बी ओ सी, देखो बी ओ सी 125 दे रखा है, और डी सी डी ओ, सी डी ओ ये 70 दे रखा है। तो ये दो एंगल दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, डी ओ सी कहाँ है, डी ओ सी, डी ओ सी ये निकालना है, दूसरा निकालना है डी सी ओ, डी सी डी सी ओ, ठीक है ना, एक ये निकालना है, निकालना है यार, ओ ए बी, ओ ए बी एक ये निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं इसे कैसे करें। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें एक बात पता है कि लीनियर पेयर क्या होती है, जो एक लाइन पर दो एंगल या दो से ज़्यादा बने तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है ना डी ओ बी, मैं इसका नाम दे दूँ डी ओ बी, ठीक है। अब इस लाइन पर क्या है, ये एंगल दे रखा है, एक तो कौन सा दे रखा, बी ओ सी दे रखा, बी ओ सी कितना रखा 125 डिग्री, और सी ओ डी ये निकालना मुझे, समझ में आया ना, सी सी ओ डी निकालना।
तो मैं क्या लिखूं, मैं इसे यहाँ लिख ऐसे लिखूंगा, इन लाइन DOB, इसमें क्या है कि दो एंगल बन रहे हैं ना, कौन से बन रहे हैं, एंगल DOC प्लस का एंगल COB, ठीक है, या BOC लिख लो, BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री LP से लीनियर पेयर, ठीक है। तो DOC मुझे निकालना है और ये मुझे दे रखा 125 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, DOC इज इक्वल टू 180 जहाँ है वही रहेगा, ये 125 प्लस के लीजिए तो इधर जाके माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 1 से 1 0, ठीक है। तो DOC कितना निकल गया, ये आया 55, ठीक है। तो DOC मेरे पास एक एंगल निकल गया 55 का, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, ये मैं यहाँ लिख लूँ 55 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस ट्राइंगल में कौन से में, DOC में एक एंगल 70, एक 55, एक मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या लिखूँ, इन ट्राइंगल DOC में तो क्या है, एंगल D प्लस का एंगल O प्लस का एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल में, सम एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो एंगल D कितना है 70, एंगल O कितना है 55, एंगल C निकालना है 180 डिग्री, ठीक। अब क्या करूँ, दोनों प्लस कर लूँ, ये कितना होगा 505 और 7 और 5 12, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस का 125, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 और ये कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये भी 55 आया एंगल C। लेकिन एंगल C है कौन सा, ये एंगल C ये वाला है, कौन सा, DCO, ठीक है, DCO, देखो DCO ये कितना है 55, ये भी निकल गया ना हमें। अब हमें ये भी मिल गया, यहाँ लिख लूँ मैं 55। देखो ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर हैं, ये ऊपर बता रखा ना, ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर हैं। तो देखो जब सिमिलर एंगल है तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई और ये साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है, 55। या हम कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, देखो जेड बन रहा ना, बन रहा है यार, जब दोनों सिमिलर हैं, देखो सिमिलर है तो दोनों एक जैसे होंगे ना, तो यहाँ पे हम अल्टरनेट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। और अब क्या हो गया कि अब हमारा ये हो गया, तुम्हारा कितना आ गया, ये 55 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ इसमें कि यहाँ पे OAB ये कितना आ गया 55, समझ आया ना, पूरा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं इसको। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। समझते हैं, एक हमें दे रखा ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम क्या, जिसकी सामने सामने की दो लाइनें, दो साइडें पैरेलल होती हैं, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, DC के। तो उसके जो अंदर डायगनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें इसके रेशो प्रूव करने हैं, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या है, गिवन में ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक। तो हमारे पास दो ट्राइंगल, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए ओ बी की, देखो ओ ए बी मतलब ट्रायंगल कौन सा उठाया, ओ
ए बी, ये वाला ट्रायंगल, या कह दो ओ ए ओ बी, ठीक। दूसरा उठाया है ओ डी सी या डी ओ सी, ठीक है। इन दो ट्रायंगलों की बात चल रही है, समझ में आया ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कि इन ट्रायंगल किसमें, ओ ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। अब इसमें एक चीज देखते हैं हम कि जब कभी भी हमारा एक्स बनता है, जो पैरेलल लाइन होती है उनके सामने, जो पैरेलल लाइन होती है ना, अगर उनके क्या कहते हैं, उनकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उन पर से जाने वाली, तो वो अगर एक्स बना हुआ है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रही है ना। दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब हमें पता चल रही है कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल डी ओ सी के, समझे। तो मैं लिख दूं यहां पे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बराबर होगा किसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक। अब दूसरी बात देखते हैं, देखो ये तो हमारा एक्स से बराबर हुआ, एक्स था इसीलिए हमने क्या कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक हमारा जेड भी बनता है, देखो ये बन रहा जेड, ये ऐसे करके यहाँ से जाते हुए ये बन रहा जेड हमें, ठीक है, दिख रहा है। कौन सी, ए बी ए सी डी, जेड बन रहा ना, बन रहा जेड बन रहा है। तो जेड बनना है तो इसका मतलब देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल कौन सा, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे, सही है। तो मैं क्या लिखूं सर, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर होगा किसके, एंगल डी सी ओ के, डी सी ओ के, ठीक है। किस वजह से, ये तुम्हारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो ये बात हो गई। अब देखो ये जेड जो सीधा बन रहा, ये जेड तिरछा भी तो बन रहा है, उल्टा भी तो बन रहा, दिख रहा है ना, ए बी डी सी, ए बी डी सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर होगा किसके, एंगल सी डी ओ के, सी डी ओ के, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होगी वर्टिकल, क्या नाम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमने दोनों ट्रायंगल में क्या दे दिया, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ओ सी के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। जब ये आपस में बराबर हो गए, दोनों दोनों सिमिलर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, यानी क्या हुआ भाई, कोरोस्पोंडिंग, देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, सामने सामने दिख रहा ना ये लाइन, इधर ओ बी अपॉन ओ डी, तो क्या हुआ, कोरोस्पोंडिंग साइड हम लिखे हैं सब, किस वजह से बराबर है, कैसे हो गई सिमिलर, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो इन सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम, कोरोस्पोंडिंग एंगलों के जो रेशो होंगे वो किसमें, सिमिलर ट्राइंगल में रेशो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या दे दिया, ये हमने इसका
रीजन दे दिया, इस वजह से ये हमारा दोनों रेशो बराबर होंगे। ठीक है, तो यही तो मुझको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम इसे लिख दें प्रूवड, हैंस प्रूव लिख दो या प्रूव लिख दो, समझ आया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, इन दिस फिगर, इस फिगर में क्या दे रखा हमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर दे रखे हैं, तो हमें क्या शो करना है कि पी क्यू एस सिमिलर होगा टी क्यू आर के। देखते हैं, देखो भैया ये हमें रेशो दे रखे हैं कौन से, क्यू क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, इजिकल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी सॉरी पी आर, ये हमें बराबर प्रूफ करना है, जबकि एंगल 1 और एंगल 2 हमें क्या है गिवन है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, एंड एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 के बराबर दे रखे, गिवन है। ठीक है, अब हम प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ में लिखना है हमें कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, समझ आया। प्रूफ करने से पहले मैंने क्या करा है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि समझ में इजी ले जाए। तो देखो एक चीज़ देखो, ये हम पे एक ट्रायंगल है, क्या है, मैंने इसका पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इसमें देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर दे रखे हैं, मैंने लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर। जब दो एंगल एक ट्रायंगल में आमने सामने के बराबर हैं तो उनके सामने की साइडें भी बराबर होंगी, ये साइडें भी बराबर होंगी। तो ठीक है, तो मैं एक चीज़ लिख लूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के। ठीक है, ये तो हमें गिवन है, ये हमने किससे निकाल दिया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है ना भाई, अगर इक्वल एंगल है तो उनके अपोजिट साइड कैसे होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ दिखा दिया कि पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर देखते हैं, देखो मैंने इसका क्या करा, ये पी क्यू एस एक ट्राइंगल अलग निकाल लिया, इधर टी क्यू आर ये दूसरा ट्राइंगल अलग निकाल लिया। अब इससे क्या होगा, इसमें हम एक चीज़ देखें कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 1 दोनों में है कॉमन, दिख रहा ना, एक चीज़ ये बराबर है। और देखो इनका रेशियो देखो, ये एंगल और इसके दोनों साइडों में साइड हैं। ठीक है, एंगल के इधर साइड, एंगल के इधर साइड, एंगल के इधर वाली साइड, एंगल के इधर वाली साइड के बराबर है। तो इसका रेशियो कैसे लिखें, इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, पी क्यू अपॉन, दिख रहा ना, पी क्यू अपॉन टी क्यू, ठीक है, टी क्यू इजिकल टू पी एस, पी एस लिख दो या क्यू एस सॉरी क्यू एस, क्यू एस अपॉन क्यू आर, भाई क्यू एस अपॉन में क्यू आर। ठीक है, तो भैया यहाँ एक तो एंगल हो गया, दूसरे साइड और साइड दोनों आपस में बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके टी क्यू आर के। सही है, समझ में आ गया ना। तो अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, मुझे ये चीज़ गिवन है, क्या गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपॉन पी आर, गिवन है। ठीक है, लिख लूँ गिवन, ठीक ये गिवन है। तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या होगा, Q
क्यू एस लिख दूंगा अपॉन क्यू आर इजिकल टू पी आर अपॉन क्यू टी, किससे? बाय रेसिप्रोकल। ठीक ठीक बाय रेसिप्रोकल। जब मैंने इसको रेसिप्रोकल लिख दिया तो अब मैं क्या करूं? देखो मैं एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पे कि क्यू एस तो है जैसे है रख दिया, क्यू आर भी ठीक है, लेकिन पी आर, पी आर को हमने क्या लिखा था? पी आर, पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो मैं पी आर की जगह पी एस लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ, सॉरी पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू, ठीक है, और इसे टी क्यू लिख सकता हूँ, टी क्यू, दोनों क्यू क्यू एक साथ हो जाएंगे ना, इसीलिए। ठीक, ये मैंने लिख दिया और मैंने रीजन दे दिया यहाँ पे कैसे कि पी क्यू इज इक्वल टू है पी आर के। ठीक, अच्छा जी, अब ये हो गया, तो हम देखो हम क्या कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें? पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं ना, दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया? एंगल वन इक्वल है एंगल वन के। ठीक, कॉमन बात हो गई, कॉमन है दोनों में। ठीक है, दूसरा देखो, ये हमने क्या लिखा यहाँ से, ये हमने यहाँ से ले लिया, कौन सा ले लिया? क्यू एस अपॉन क्यू आर इजिकल टू पी क्यू अपॉन टी क्यू, ये हमने क्या प्रूव कर रखा ऊपर, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड। ठीक, तो अब ये देखो कि देखो एक एंगल और एक एक एंगल और एक साइड, एंगल और साइड, एंगल और साइड, एंगल दूसरी साइड, एंगल और दूसरी साइड, तो हमने क्या कर दिया? हमने यही तो प्रूव करना था कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय किसके? एस ए एस, साइड एंगल साइड, तो यही तो प्रूव करना था, मैं कर दिया हमने, इसे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, समझ आया ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, जो नए हैं उन्हें भी वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस। समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो एक ट्राइंगल गिवन है हमें, एक ट्राइंगल दिया है, क्या है? पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें क्या करें कि एस और टी, एस और टी जो है किस साइड में दे रखा? पी आर की साइड में। देखो पी आर की साइड में एस दे रखा है और क्यू आर की साइड में टी पॉइंट दे रखा। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइडों में एक एक पॉइंट दिए हुए हैं, एस और टी। ठीक, अब ये जो एस और टी दिए हुए हैं हमें, इससे क्या देखो, इस पर एंगल पी, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इस पर एंगल पी बराबर है किसके? टी के। टी का मतलब आर टी एस, आर टी एस यानी कि टी हो गया ना, पी और टी दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, गिवन है। तो शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल कौन से के? आर टी एस के बराबर, सिमिलर प्रूफ करना हमें। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, गिवन में, गिवन में क्या दे रखा? एंगल पी और एंगल टी। देखो एंगल पी और टी, टी का मतलब आर टी एस, बात तो हुई है, बीच में टी आ रहा है, तो पी और टी दोनों बराबर हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना कि ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के आर टी एस के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल बना कर रख लिए छोटे, एक तो बड़ा वाला, कौन सा? पी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बना कर रख लिया, एक छोटा ट्राइंगल बनाया, कौन सा? आर टी एस, आर टी एस। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो एंगल ऊपर का आर है, इसमें भी एंगल है, दोनों ट्राइंगलों में आर कॉमन है। ठीक, इधर इसका पी और इसका टी, ये दोनों बराबर है, तो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इसमें एंगल आर, एंगल आर और एंगल आर दोनों क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन हो गया,
समझ में आ रहा ना। और चीज क्या गिवन है, इसका पी और इसका टी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, टी कह दो या कह दो कि क्या है एंगल आर टी एस, कुछ भी कह दो, दोनों बात एक ही हैं, ये भी हमें गिवन है, ठीक गिवन है। अब क्या करें, तो देखो हमारे पास एंगल एंगल क्रिटेरिया होता है ना, तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए ट्रायंगल में दोनों ये क्रिटेरिया होता है एंगल एंगल, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, जब दो चीज़ बराबर है तो तीसरी चीज़ अपने आप बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल आर टी एस, समझ में आना, किससे, बाय एंगल एंगल। देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये बराबर हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये तो प्रूफ करना था हमको, हो गया प्रूफ, समझ आ गया ना, कितना ईजी है, एक ट्राइंगल दे रखा पी क्यू आर, ठीक है, उस पी पी और आर की साइड में कोई पॉइंट दे रखा है एस, इधर क्यू आर की साइड में कोई पॉइंट दे रखा टी, तो यहाँ दो ट्राइंगल तैयार हो गए, एक तो बड़ा वाला है ही है, उसके अंदर एक छोटा वाला भी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मैंने दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनाकर रख दिए हैं, बड़ा वाला इधर ही रहा, छोटा वाला ही रहा, तो इन दोनों ट्राइंगलों में क्या चीज़ कॉमन है, देखो आर आर एंगल कॉमन, इधर टी और इधर पी, ये दोनों कॉमन, ठीक है, जब दोनों एंगल क्लियर हैं तो तीसरी साइड तो अपने आप बराबर हो जाएगी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी एस में क्या होगा, दो एंगल, यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हो गए क्या कि सिमिलर हो गए, ठीक है, ये प्रूव करना था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन क्या कहता, एक फिगर दे रखा हमें ए बी सी, ए बी सी एक फिगर दे रखा ट्राइंगल का, ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ अगर, इफ दे रहा है क्या कि ए बी ई, ए बी ई ये वाला ए बी ई, ठीक है, सिमिलर है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि जिसमें प्रॉपर्टी सेम आए, एंगल और साइड इस तरह से, या एंगल एंगल साइड, ठीक है, तो ये करा ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी जो है आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो शो करो कि ए डी ई, ए डी ई ऊपर वाला ट्राइंगल और ए बी सी, ए बी सी आर सिमिलर होंगे, ठीक है, बात क्लियर समझ में आई। तो मैंने क्या करा है, सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बनाया, इस ट्रायंगल के दो टुकड़े कर लिए, ए बी ई जो हमें दे रखा कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट दे रखा ना, इसी हिसाब से मैंने ए बी ई और ए सी डी दो ट्रायंगल बना लिए। अब इससे क्या होगा, आसानी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्टार्टिंग, जो गिवन है, गिवन में क्या दे रखा हमें, गिवन में दे रखा है हमको कि ट्रायंगल ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है, गिवन है हमें, ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना हमें ट्रायंगल, देखो ये रहा, क्या प्रूफ करना, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक, क्लियर है, अब करते हैं स्टार्ट। देखो जब हमने ये ट्रायंगल बनाए हैं दोनों, तो इसमें क्या चीज़ दिख रही है हमें, देखो एंगल ए और एंगल ए दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ लिख लूँ कि जो मुझे गिवन है उसी से लेंगे हम, गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी ई एंड एंड का एक कॉन्ग्रेंस रखना, इसे ऐसे लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये गिवन है हमें, ठीक, गिवन है। अब इसमें से क्या करेंगे, देखो अब इसमें एक काम करते हैं हम कि हमें इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दिख रहा ना, दोनों तरफ एंगल ए बराबर है, ठीक, इधर एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ठीक दिख रहा ना, और एंगल ई और एंगल डी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी बराबर है, सही है,
एंगल ए एंगल ए के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल डी एंगल ई के, एंगल डी एंगल ई के बराबर, ठीक है। तो अब जो है ये तो एंगल हो गए सारे बराबर, और देखो हमें साइड भी तो बराबर है, ए बी किसके, ए सी के, तो ये भी लिख दें हम ए बी इज इक्वल टू ए सी के, ठीक बराबर है, और बी ई सी डी के, ठीक है, बी ई इज इक्वल टू सी डी के, ठीक। अब क्या लिखें, ए ई किसके बराबर है, ए डी के, ठीक है, ए डी या ए डी बराबर है ए ई के, ए डी बराबर है ए ई के, सही है, समझ में आ गया ना, ये ई है ए ई के, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ तो हमें मिल गई। तो देखो हम हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है कि यहाँ पे हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक, एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये वाला ट्रायंगल एक बार देखो जरा, ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, ये जो ट्रायंगल दिख रहा, दिख रहा है छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल उठाया हमने और एक लिया है ए बी सी पूरा, ये देखो ए डी ई और ए बी सी, ये ट्रायंगल उठा रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगलों में हमें क्या करना है, देखो यहाँ दोनों ट्रायंगल में ए, छोटे वाले ट्रायंगल में ए और पूरे बड़े ट्रायंगल में ए कॉमन है, तो मैं लिख लूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन, ठीक। अब एक एंगल तो कॉमन हो गया, लेकिन हमें और भी तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइड साइड भी तो चाहिए, साइड साइड बराबर होनी चाहिए। तो मैं एक काम करूँ कि ये जो ऊपर हमने जो इतने सारे क्राइटेरिया निकाले हैं, यानी कि जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा था, इसका मतलब सी पी सी टी से सारे बराबर हो गए, सी पी सी टी से ये सारे आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँ कि यहीं से उठाऊँगा चीज़ें और यहाँ से उठा के उन्हें क्लियर करूँगा। मैं क्या करूँ, देखो एक तो मुझे चाहिए क्या, एक तो मुझे चाहिए ए बी, ए बी और ए डी, ये चाहिए ना इस लाइन में, ए बी और ए डी चाहिए इस लाइन में, ठीक है, इनके रेशो बराबर करने के लिए चाहिए ना, चाहिए साइड। तो मैं क्या लिखूँ कि यहाँ ए बी और ए सी ये इक्वेशन वन मानूँ, और एक चाहिए मुझे ए ई और ए सी, दिख रही है ना, समझ में आया ना, दिख रही है ए डी और ए ई, ए डी और ए ई, ठीक। तो अब क्या करूँ, इसमें से इसे उठा लूँ, इसे क्या लिखूँ कि इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, डिवाइडिंग 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 इक्वेशन टू एंड वन, टू एंड वन को डिवाइड करने पे तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, ए सी। तो ये तो हमने कर ली यहाँ से इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है, ये हो गई। तो अब ये बताओ कि देखो मुझे यही तो चीज़ चाहिए थी, तो मैं यहाँ से इसे लिख लूँ कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक, किससे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक, उठा लिया। तो अब देखो एक तो एंगल बराबर है और दो साइड आपस में वो हो गई बराबर, तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसे कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है, सिमिलर हो गए किससे, बाय साइड एंगल साइड, साइड दो हो गई एंगल एक हो गया, तो साइड एंगल साइड, ठीक, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है सर। तो यही तो हमको प्रूफ करना था भाई, यही तो प्रूफ करना था हमको, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो इसे एक दो हैंस प्रूव, ठीक है, समझ में आया ना बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर ध्यान से करोगे, बस ये सोचो कि मन लगा कर करना है, जो भी काम करो मन लगा कर करो और पूरा डूब के करो उसे, ठीक है, मोटिवेट रहो हमेशा, कभी मत भूलो
कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बाय। क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चार पार्ट दिए हुए हैं। अभी क्वेश्चन कहता क्या है समझते हैं। इन गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी और सी ई, एल्टीट्यूड्स ए डी और सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। शो, ये पार्ट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, इनको प्रूव करना। तो पहले डायग्राम को समझते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है हमें ए बी सी, देखो ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड हैं, ए बी पर ये है ई एल्टीट्यूड, मतलब इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। अदर सी बी पर, बी सी पर डी एल्टीट्यूड है, और ये जो एल्टीट्यूड हैं सी ई और डी ए, ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट, कोई पॉइंट पी है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी। देखो ट्रायंगल ए ई पी कहाँ है, ट्रायंगल ए ई पी दिख रहा है ना, ये रहा, ये जो ट्रायंगल है ए ई पी, ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल सी डी पी, ये देखो ये रहा, देखा सी डी पी, सी और ये डी और ये पी, ठीक है, देखिए ना सी डी पी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट ऊपर बने हुए हैं, अपोजिट एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है, गिवन है ए डी और सी ई, ए डी, ए डी और सी ई क्या है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। ए डी और सी डी, सी ई आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के दो एल्टीट्यूड हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब सिमिलर करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, हमें पहले दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी और एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। अब इसमें क्या करें, देखो एक चीज़ गिवन है हमें दिख रही है कि देखो ई पर एंगल 90 डिग्री का है, इधर डी पर एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल, एंगल कौन सा ई इज इक्वल टू एंगल डी, दिख रहे हैं आप कैसे बराबर हैं दोनों, ईच 90 डिग्री, ठीक। अब देखो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जहाँ एक्स बना होता है, जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो क्या होते हैं, दोनों जो कोने कोने से मिले हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यूँ कह दूँ मैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी के बराबर होगा, किस वजह से, क्या लिखूंगा इसमें, यहाँ पे मुझे, मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक, समझ में आ गया। तो देखो अब हमने क्या दे दिया, देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये 1990 का, बचा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई ये भी अपना बराबर होगा, तो मैं क्या कह दूँ कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल सी डी, सी डी पी के बाय किससे, एंगल, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, किससे होगा, एंगल, एंगल सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से, ये हो गया तुम्हारा सिमिलर, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है जी, यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो टू प्रूफ में, तो मैं क्या लिख दूँ, हैंस प्रूफ, ठीक, पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कहाँ है, ए बी और यहाँ पर डी है, ठीक है, ट्रायंगल ए
बी डी दिख रहा ना, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी। और कौन सा ट्रायंगल है दूसरा? दूसरा है सी बी ई। देखो सी सी, ये तो पी है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना। सी बी कहाँ है? देखो सी बी ई दिख रहा है, इसे दूसरे पेंसिल से दिखाता हूँ अच्छी तरह से समझे। सी बी और ये रहा ई, अब दिख रहा ना, ये देखो सी बी ई, ठीक है सी बी ई। और एक कौन सा? ए बी डी, ठीक है ना। इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में देखो हमें दोनों सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, गिवन है ए डी और सी ई आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए बी सी में, ठीक है अच्छे से पता, पहले से बता दिया। प्रूफ क्या करना मुझे, टू प्रूफ करना है ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, तो हमें यही लेके चलना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी और सी बी ई में, देखो यहाँ पे भी वही बता रही है। अब इस ट्रायंगल में देखो ये जो तुम्हारा सी बी ई, यहाँ पे ई एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। और इसमें क्या है दूसरे में, इसमें तुम्हारा डी 90 का है, ठीक समझ में आ गया ना। तो मैं क्या लिखूँ, एंगल कौन सा डी और एंगल ई ईच 90 डिग्री, ठीक है समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखो डी ये वाला, डी तो हो गया और ई हो गया। अब इसके बाद में हम क्या देते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, ये एंगल दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, जब लिया तुमने कौन सा लिया था, ए बी डी, ए बी डी इसमें भी आ गया। दूसरा लिया सी बी ई, तो सी बी ई दोनों में बी कॉमन है, तो मैं क्या कह दूँ, एंगल बी इजिकल टू एंगल बी, कैसे कॉमन। कॉमन ठीक। अब देखो दो चीज मिल गई मुझे कॉरस्पॉन्डिंग, अगर अपने आप दूसरी तीसरी वाली अपने बराबर हो जाएगी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। किससे? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है समझ में आ गया ना। तो ये मुझे प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक। अब देखो दूसरा पार्ट हो गया, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब तीसरे पार्ट में क्या करना है, तीसरे पार्ट में हमें क्या सिमिलर प्रूफ करना है कि ए ई पी कहाँ है, ए ई और यहाँ लिखो पी, ए ई पी, ये छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख गया, ये किसके बराबर होगा, किसके सिमिलर होगा, ए डी बी के, ए डी बी के, ए ये जो दिख रहा है ऊपर का दिखा, ए डी बी, ठीक समझ में आएगा ना अच्छी तरह से। अब चलते हैं, गिवन है हमें ए डी सी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना हमें ए ई पी सिमिलर है ए डी बी के, ठीक। तो हमें दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी पी और एंड ट्रायंगल ए डी बी। अच्छा जी, अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या कहूँ, फिर से वही ए ई पी में कहाँ है, ए ई ए ई पी, तो देखो ई तो हो गया 90 डिग्री का, ठीक। और इधर से क्या हो गया, ए बी डी में ए बी डी, यहाँ डी ये भी तो 90 डिग्री का दिख रहा ना, तो एंगल डी ये क्या हो गए, ईच 90 डिग्री, क्लियर है ठीक। अब देखो ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है, तो एंगल ए एंगल ए कैसा है, कॉमन, ठीक क्लियर है। अब क्या करें, फिर हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, किससे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक। ये प्रूफ करना था हमको, तो हमारे तीन पार्ट प्रूफ हो चुके हैं, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट में क्या करा है? फोर्थ पार्ट में ये है कि यहाँ पी डी सी सिमिलर करना है किसके? बी ई सी के। अब देखते हैं कहाँ है पी डी सी। देखो पी यहाँ है बीच में, पी डी सी, पी डी सी, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये वाला, ये किसके बराबर, मैं किसके सिमिलर बराबर करना है? बी ई सी के। बी ई सी कहाँ है? देखो बी, ये बी ई सी, ठीक है, ये वाला ब्लैक वाला जो कर रखा मैंने, इससे ये हमें दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। तो कैसे करें भाई? देखो अब यहाँ पर एक तो पी दिख रहा है, नहीं पी को छोड़ो, यहाँ पर एक तो हमें लेना पड़ेगा ई और एक क्या है डी। पी और डी, ई और डी दोनों में क्या है 90 डिग्री के हैं, तो मैं क्या लिखूँ, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री, ठीक। अब क्या करें, देखो पी ये है तुम्हारा पी डी सी, पी डी सी, ठीक है, और इसमें सी आ रहा है, आ गया सी। दूसरा क्या है बी ई सी, बी ई सी, इस बड़े वाले में भी सी आ रहा है, तो ये क्या करूँ, लिखूँ मैं एंगल सी, एंगल सी के दोनों बराबर हो गए आपस में, कैसे कॉमन, ठीक। तो भैया इसमें भी लिख दें हम ट्रायंगल पी डी सी, ठीक है, सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल बी ई सी के, किससे? बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है, यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया, चारों पार्ट फिनिश हो गए, इजी थे, ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर बेटा क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट डी पॉइंट एफ, तो शो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के, ठीक है, समझते हैं। अब एक तुम्हारा पैरेललोग्राम है क्या, ए बी सी डी, ठीक, ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम में अगर हम ए डी को प्रोड्यूस करके ई पॉइंट तक ले आए, ठीक है, तो क्या होगा कि सी, ये डी सी जो है, और इधर ये बी ई, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि पहले तो लिख दिया गिवन में क्या, ए पैरेललोग्राम इन विच एफ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पे बी ई और सी डी का, ठीक, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो टू प्रूव क्या करना है, ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ठीक। तो अब क्या करें, हम सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी ई कहाँ है, ए बी ई बड़ा वाला दिख रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को किसके सिमिलर प्रूफ करना है, सी एफ बी, सी एफ बी दिख रहा है इस ट्रायंगल, चलते हैं स्टार्ट करें। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, दोनों ट्रायंगल ले, तो अब देखो यहाँ पे है क्या मैटर। इसमें देखो जब पैरेललोग्राम होते हैं, वो पैरेललोग्राम कौन से होते हैं, जिनके सामने सामने की साइड बराबर हो, ठीक है, तो ए बी पैरेलल किसके, सी डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक, तो जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे, वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है, दोनों एंगल्स आपस में, यानी कि एंगल ए एंगल सी के कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक, अच्छी बात। दूसरी बात, जब हमने ए डी को प्रोड्यूस करा था ई पॉइंट तक, ए डी को प्रोड्यूस करा ई पॉइंट तक, तो और फिर जब ये जो देखो इधर ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये जब हमने बी को ई से मिलाया तो ये पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन हो गई बी ई, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या बननी है, डी ई एफ बी,
डी ई बी सी दिख रहा है, डी ई बी सी, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना। तो एंगल ई और एंगल बी दोनों आपस में बराबर होंगे, किससे? अल्टरनेट प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम क्या करेंगे, समझ में आ गया ना, एक हमने लिखा एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर होंगे, किससे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, अब क्या है, उधर हमने क्या लिया, डी ई एफ, ये डी ई एफ लिया, ठीक है, किसके बराबर है? ये सी बी एफ के बराबर है, सी बी एफ के, क्योंकि दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से बराबर हो गए, हमने इसके आगे रीजन लिख दिया अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक बराबर हो गए। अब क्या देखो भाई, हमें क्या प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के, ठीक, कैसे बराबर होगा, रीजन इसका होगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है भाई, यही तो प्रूफ करना था हमको, हमको यही तो प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, ईजी था, बाकी आगे लिख दो क्या, हैंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ये हमने एक पैरेललोग्राम ले रखा है, इसको ए बी को आगे प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस करने के बाद में क्या होगा, ये बी से ई को मिला दिया है, तो ये बी ई जो है डी सी को काट रही है, ठीक है ना, तो ये जो एक ट्रेंगल, इधर का ट्रेंगल इससे बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जेड बन रहा है, ठीक, इधर पैरेललोग्राम में दोनों आमने सामने गए, अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, तो हमने दो प्रॉपर्टी दे दी हमने, ठीक है, दो प्रॉपर्टी दे दी, जिससे हमने इसको क्या दे दिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, बाय। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ते हैं। इन गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल्स एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, फर्स्ट में क्या है, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, सेकेंड में क्या है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। देखो दो चीज़ प्रूव करनी है, सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, क्या क्वेश्चन के क्या कह रहा है उसे देखते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है ए एम पी, ए एम पी, ठीक है ना, तो ये जो दो दोनों ट्राइंगल है इनके बी पॉइंट पर 90 डिग्री है और ये एम जो है 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो अब जो है प्रूफ क्या करना है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक, अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा खोल दूं तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से नजर आएंगे ए बी सी, क्योंकि बी पर राइट एंगल है, इधर ए एम पी, ए एम पी, ठीक है, इसको ऐसा कर दिया मैंने, तो ये क्या है एम पर 90 डिग्री है, समझ आ रहा ना आपसे, तो अब क्या कह रहे हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, क्लियर है, अब करना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी एंड ट्राइंगल एम ए एम पी, ये कैसे हैं, राइट एंगल है, इसमें दो राइट एंगल कौन कौन से हैं, एक तो बी है और एक एम है, जो दोनों दोनों 90 ईच है, ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, सेकेंड पार्ट में क्या, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ठीक, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फर्स्ट पार्ट करने के लिए दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ए बी सी और एंड ए एम पी, ठीक, अब इसमें एक चीज़ देखो, देखो यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए एंगल आ रहा है, ठीक, तो मैं क्या कहूँगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, किस वजह से, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक, दूसरी बात, अब दूसरे क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, कैसे, ईच 90 डिग्री, ठीक, जब हमें सिमिलरिटी की सिमिलर दिखाना है दोनों ट्राइंगलों को तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है, तो हम पे दो चीज़ मिल गई हमें कि एंगल और एंगल, ठीक, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के, ठीक है, किससे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन इसको मान लूं 1, तो देखो पहला तो हमारा हो गया,
फर्स्ट पार्ट तो निकलेगा हमारा सिमिलर वाला। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सिमिलरिटी की जो हमने सिमिलर प्रूव किया है इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ, मैं लिखता हूँ इसे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी से। किससे? क्योंकि हमने ऊपर से प्रूव कर रखा पी आर ओ बी डी प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने लिया है, ठीक है। अब देखो जब हमारे दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी सिमिलर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि सी ए सी ए लास्ट का और पहला सी ए अपॉन क्या पी ए इसके भी लास्ट दूसरे ट्रायंगल का भी दोनों इस साइड को उठा लो पी ए, ठीक है, किसके इक्वल होगी बी सी इसका दोनों लास्ट के इसके दोनों लास्ट के एम पी। समझाए ना भाई, सी ए और इसका पी ए, ठीक है, सी ए और इसका पी ए इजिकल टू बी सी और इसका एम पी, ठीक है। अब ये कैसे बराबर है, इसकी रीजन लिख दो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, समझ आ गया ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक। अब तो हमें क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। एक हमको ये प्रूफ करना था पहला वाला, तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक। ये किससे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, और इसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशो ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल से। ये हमारा सेकंड पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट था, दोनों प्रूफ हो गया आसानी से। इसे लिखते हैं हम हैंस प्रूफ, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो शो दैट, इसके तीन पार्ट निकालने हैं। पहले पार्ट में क्या करा, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। थर्ड सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी ई के, और ऐसे ही थर्ड पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं डायग्राम से, दो ट्राइंगल के बने हैं ए बी सी और इधर ई एफ जी, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल के बने हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ, तो सी डी इस वाले ट्राइंगल में और जी एच दूसरे वाले ट्राइंगल में, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो डी और एच, जो डी और एच हैं ये किस पर लाइन पर, लाइन पर हैं, ये ए बी और एफ ई के, ए बी पर और ई एफ पर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब जो है ये कह रहे हैं शो करना है हमें सी डी अपॉन जी एच इजिकल टू ए सी अपॉन एफ जी। पहला फर्स्ट पार्ट ये है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसमें हम, अब एक चीज़ देखते हैं हम इसमें कि हमें जो ये प्रूफ करना है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो गिवन है उसे लेके चलना पड़ेगा। क्या गिवन है हमें, गिवन है ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, ठीक है, इसे ले लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज़ तो देख लें पहले,
इन ट्राइंगल ए बी सी और इधर ई एफ जी में क्या 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 चीज़ है हमें जो हमें मतलब पैरेलल दिखाई दे रही है, कॉमन नज़र आ रही है। तो यहाँ देखें, इसमें एंगल ए और इसमें एंगल एफ, इसमें एंगल बी, इसमें एंगल ई, ठीक है, इसमें एंगल सी और इसमें एंगल जी, ठीक। ये चीज़ हमें दिख रही है कि सिमिलर है। तो हम क्या लिख लें यहाँ पे, हम एक चीज़ पहले से लिख लें नोट करके कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। इधर एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। इधर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक। एंगल सी और एंगल जी दोनों बराबर है, सी इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक। जब ये देखो, आप एक बात सोचो, ये एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है, सी डी, ठीक है। बाइसेक्टर तो मतलब इसका मतलब ये होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इधर जी का बाइसेक्टर क्या है, जी एच, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँ पहले से ही कि एंगल वन इज इक्वल टू, जब सी जी के बराबर है तो क्या हो गया, एंगल वन और एंगल थ्री, एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है। ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब इन पे इक्वेशन डालते हैं हम। इक्वेशन डालने से पहले एक चीज लिखते हैं कि बराबर क्यों है, इस पे लिखते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है जी। इसके हिसाब से ये पहली, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन, ठीक। क्लियर है, समझ में आया ना, इसको कर लो सिमिलर, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमें प्रूफ कैसे करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ए सी डी मतलब देखो, ए सी डी ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल छोटा, ऐसी इधर का एफ जी एच, ठीक, इनमें चल रहे हैं, ठीक। ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं हम, देखो एंगल ए और एंगल एफ बराबर है, हम पहले दिखा चुके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, ये बराबर हो गए। और इधर एंगल वन और एंगल थ्री बराबर है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, कैसे बराबर है, यहाँ लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन वन, और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच के, ठीक, सिमिलर हो गया। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन एच जी, जी एच इज इक्वल टू होगा किसके, ए सी अपॉन एफ जी, एफ जी, ठीक है। इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, इसका स्टार्टिंग वाला, इसका स्टार्टिंग वाली जो साइड है, ये आपस में बराबर हो गई। वो कैसे हो गई, इसके हम रीजन देते हैं कि क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम
रेशो ऑफ टू सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इनके रेशो भी इक्वल हो गए, और यही हमें फर्स्ट वाले में प्रूफ करना था। देखो जरा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में यही प्रूफ करना था, हमने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, थोड़ा देखते हैं इसको कि सेकंड पार्ट क्या है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, तो हमको ये प्रूफ करना। अब ये डी सी बी कहाँ है, देखो भैया डी सी बी दूसरा वाला दिख रहा ना, डी सी बी इधर क्या है एच जी ई, ये दोनों ट्राइंगल की बात चलेगी अब। ठीक है, दिख रहा ना दोनों ट्राइंगल, तो इसमें हम क्या लिखें, हम इसमें लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के। ठीक, ये हो गया बराबर दोनों। अब एक लिखेंगे एंगल टू, एंगल टू बराबर है किसके, एंगल फोर के। ठीक, किससे हम लिखते हैं फ्रॉम, देखो यहां पे दिख रहा ना, एंगल बी इज इक्वल टू ई के, किससे इक्वेशन टू से, फ्रॉम इक्वेशन टू। और दूसरा क्या है, ये किससे है, टू और फोर किससे बराबर है, फोर से, फ्रॉम इक्वेशन फोर से। ठीक है, जब हमने ये दोनों बराबर दिखा दिए तो अब हम क्या दिखाएंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी ई के। ठीक, कैसे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक हो गया, तो अब हमें सेकंड हमने प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमको क्या लेना है कि थर्ड पार्ट में चाहिए हमको क्या, डी ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ में। ठीक है, एच जी एफ में, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, इसमें क्या देखेंगे भैया, देखो थोड़ा सा ट्रायंगल की तरफ देख लेते हैं, ये देखो अब डी सी ए कहाँ है, देखो डी सी ए दिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल, वापस से डी सी ए, और इधर क्या है एच जी एफ, इनमें क्या है, देखो ए और एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक, और फिर दूसरा क्या है, एंगल वन एंगल थ्री, तो ये कैसे हो गए, फ्रॉम इक्वेशन, देखो इक्वेशन दिख रहा है कौन सा, ए और एफ किससे, इक्वेशन वन से। ठीक, और दूसरा क्या है, वन और थ्री इक्वेशन फोर से, फ्रॉम इक्वेशन फोर से। ठीक, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या लिखते हैं इसमें कि ट्रायंगल डी सी ए कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल एच जी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्रिटेरिया से। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूफ करना थर्ड में, थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया, तो हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। समझ आया ना, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास टेंथ ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं रीड, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, विद ए बी और ए सी बराबर है आपस में, इफ ए डी
परपेंडिकुलर है बीसी पर एंड ईएफ परपेंडिकुलर है एसी पर। तो प्रूव करो कि ट्राइंगल एबीडी सिमिलर होगा ट्राइंगल ईसीएफ के। देखो समझते हैं डायग्राम से। ट्राइंगल डायग्राम में क्या है, एबीसी क्या है, एक आइसोस्कल ट्राइंगल है जिसमें दो साइड आमने सामने की बराबर है। ठीक, तो अब जब ये बीसी को आगे प्रोड्यूस करा है तो ये ईएफ जो है ये किस पर परपेंडिकुलर है, एसी पर, एफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। ठीक है, इधर बीसी पर एडी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि एबीडी, एबीडी ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला एबी, अरे ये वाला डी, छोटा सा जो ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ये किसके बराबर है, किसके सिमिलर है, सिमिलर करना है ई सी एफ के। कहाँ है, ई सी एफ के, दिखा ई सी ये रहा एफ। ठीक, तो अब हम इन ट्रायंगलों में चलेंगे। देखो जब ये 90 डिग्री का तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हुआ। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। हमें क्या है, देखो ट्रायंगल एबीसी एन आइसोस्केल ट्रायंगल गिवन है और इसमें ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू किसके, ए सी के। भाई ए बी और ए सी दोनों बराबर होंगे जब आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, तो और ये क्या गिवन है कि ई एफ किस पर परपेंडिकुलर है, ए सी पर। ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है और ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी एफ के। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो कि हमें जो दे रखा है, हमें क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में, देखो इस ए बी सी में क्या है कि एक तो हमें गिवन है क्या, ए बी इज इक्वल टू किसके, ए सी के। भाई ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक, ये तो है हमें गिवन। ठीक, दूसरी बात क्या है कि जब देखो जब ये दोनों इक्वल ट्राइंगल इक्वल उसमें है आइसोस्केल ट्राइंगल में है तो सामने जब तुम्हारे जब दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने सामने के जो एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वल हो गए किसकी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल। ठीक, अब क्या करें, ये चीज हो गई, हमें पता चल गई। तो अब हम एक काम करते हैं, अब चलेंगे अपने उस पर, ये हमने पहले निकाल कर रख लिए हैं किसमें, इन इसे अलग कर दो, ट्रायंगल किसमें ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ में। ठीक, अब इसमें क्या करें, देखो इसमें हमें एक तो एंगल बी इजिकल टू एंगल सी के बराबर है, कैसे वो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि एंगल डी इजिकल टू किसके होगा, एंगल एफ के, एंगल एफ के कैसे, ईच 90 डिग्री। ठीक, ये गिवन है। ठीक, अब क्या करें, जब हमें दोनों चीज पता चल गई ना, तो इसको तो लिख दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम वन से हो गई बात। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के, क्यों, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, समझ में आ गया ना, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। भाई हमने क्या किया, देखो जब ये क्या है आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इनके सामने सामने के एंगल जो साइड है वो बराबर होंगी। अब सामने सामने की साइड बराबर है तो साइडों के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। ठीक है, सामने सामने की जब साइड बराबर तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, ये हमें पहले से पता है। तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, अब ये गिवन दे रखा, तो अब हमने क्या करा, एंगल बी और सी को क्या कर दिया, अपोजिट
एंगल जो है हमने इक्वल कर दिए, ठीक है। जब साइड इक्वल है तो उनके सामने के मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूड, ठीक। तो अब क्या हुआ, हमने क्या लिया, अब ट्रायंगल ले लिया, कौन से, ए बी डी और ई सी एफ। इसमें क्या करा, एंगल बी और एंगल सी पहले से हमें दिखा दिया प्रूव्ड बराबर है, और एंगल डी और एंगल एफ दूसरे ट्रायंगल में, ये कैसे हैं, ये पहले से दे रखे हैं कि ईच आर 90 डिग्री। तो हमें क्या हुआ कि हमने इसमें कॉस क्या दे दिया, हमने दे दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हैं, क्योंकि एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ट्राइंगल है एक ए बी सी, इसका मीडियन क्या दे रखा, ए डी, ठीक है। किस पे, बी सी पर ए डी मीडियन है, ठीक। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। पी एम मीडियन दे रखा किस पर, ट्राइंगल पी क्यू आर पर, ठीक है। दो ट्राइंगल है तुम्हारे ए बी सी, इसका मीडियन क्या है, ए डी, ठीक है। इस ट्राइंगल का मीडियन क्या है, ये है, और इस पी क्यू आर का मीडियन क्या है, पी एम, समझ में आया ना। तो ये यूं कह रहे हैं कि ए बी बी सी और ए डी, ए बी बी सी और ए डी, ठीक है, दिख रहे हैं ना, ये तीनों जो लाइन हैं ए बी बी सी और ए डी, और दूसरे वाले ट्राइंगल में कौन सा, पी क्यू क्यू आर और पी एम, ठीक है, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। ये क्या है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ये साइड है आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किस ट्राइंगल में। तो इस वजह से ये ट्राइंगल तुम्हारे ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर कैसे होंगे, ये हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है इस ट्राइंगल में कि ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन है, और पी एम किसका, पी क्यू आर का मीडियन है, यानी कि क्यू आर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, इधर ये और ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब बीच में से काट दिया ना, यानी कि बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगे, यहाँ क्यू एम और एम आर बराबर होंगे, सही है ना, समझ में आया। तो अब जब ये बराबर हैं तो ये देखो इनके साइडों का रेशियो भी कैसा होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर। भाई ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल होगी, तो बी सी अपॉन क्यू आर इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम, ये ए बी ए डी अपॉन पी एम। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसी को लेते हैं, पहले जो हमें गिवन है इसको लेते हैं, क्योंकि देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि ये चीज़ हमें दे रखी है, ए डी ए बी दे रखी है, ए इधर पी क्यू अपॉन में दे रखा है, इधर बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है, ये मतलब हमें ये गिवन है, ये भी गिवन, ये भी गिवन, लेकिन हम पे ये चीज़ नहीं है, ए सी और पी आर ये हमें गिवन नहीं है जो बराबर हो, सिमिलर हो, ठीक है। तो इसको हम अब बराबर करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है, ठीक है, गिवन तो है हमें, लेकिन करें कैसे का भाई, हमें तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये और ये और ये गिवन है, ठीक है। मुझे ये भी तो चाहिए, अगर मैं इसको एक काम कर लूँ कि ये ट्राइंगल तैयार कर लूँ, ये वाला ट्राइंगल, और इधर ये ट्राइंगल तैयार कर लूँ, ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को, इन दोनों से इसको लाऊंगा निकाल के, इन दोनों से इस साइड को निकाल कर लाऊंगा, देखते हैं कैसे। तो अब मैं क्या करूँ, एक काम करूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू, देखो बी सी जो है ना, बी सी अगर
अगर मैं बी सी को आधा कर दूं तो मुझे ये दोनों चीज़ तो गिवन है, इसको ले आऊं तो मैं इसको क्या लिख लूँ, बी सी अपॉन टू कर लूँ, इधर क्यू आर अपॉन टू कर लूँ। भाई मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ टू टू से डिवाइड कर दिया, बात तो हुई है अभी। और इधर लिख दूँ ए डी अपॉन पी एम, ठीक। तो अब ये जो बी सी अपॉन टू है, देखो बी सी अपॉन टू का मतलब बी सी का आधा, बी सी का आधा मतलब ये होगा तुम्हारा बी डी इजिकल टू डी सी। भाई बी डी और डी सी दोनों बराबर हो गए ना, ऐसे इधर क्यू आर का आधा मतलब कितना होगा, क्यू एम इजिकल टू एम आर। समझ में आ रहा ना, समझे ना, आधे का मतलब दोनों आधे आधे बराबर है ना, तो बी डी बराबर होगा किसके, डी सी के, ऐसे क्यू एम बराबर होगा किसके, एम आर के, ठीक। तो अब हम बी सी का आधा मतलब बी डी यहाँ लिख रहे हैं, हम बी डी अपॉन और क्यू आर का आधा क्या, क्यू एम, क्यू एम, ठीक है। और ये ए बी ऐसे रहने दो, अपॉन पी क्यू भी ऐसे रहने दो, इधर ए डी भी ऐसे रहने दो, इधर पी एम भी ऐसे रहने दो, ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने ये इक्वेशन वन मान ली, ठीक, इक्वेशन नंबर वन मान ली। तो अब हम किस में चलेंगे, अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, इस वाले की, ए बी डी की और पी क्यू एम की, ए बी डी और पी क्यू एम, मतलब मैं यहाँ बनाता हूँ इस छोटे से ट्राइंगल को। तो देखो ए बी डी, इधर क्या है, पी पी क्यू एम, ठीक, दिख रहा ना। तो अब इसमें क्या करें, अब इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक, दोनों ट्राइंगल में आ गए। अब इन ट्राइंगल में देखा जाए तो ये इसके सिमिलर है और ये आपस में दोनों, और ये दोनों हो गई। तो मैं क्या लिखूँ इसे, इसे मैं लिख लूँ किससे, कि ए बी, ये जो ऊपर लिखी है हमने, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी डी अपॉन क्यू एम इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम, कैसे, ऊपर फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, प्रूफ कर चुके हैं ना। अब हम क्या लिखें, तो हम एक काम करें, इसमें देखो साइड ये दिख रही ना, ए बी साइड के बराबर कौन सी है, पी क्यू, और बी डी के साइड के बराबर क्यू एम, और पी ए डी के बराबर कौन सी है, पी एम, ठीक। तो यानी कि साइड 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 साइड, ठीक है, छोटे से ट्रायंगल दिख रही है ना, यहाँ देख लो भाई, ए बी के बराबर कौन सी, पी क्यू, और ए डी के बराबर कौन सी, पी एम, और बी डी के बराबर कौन सी, क्यू एम। तो साइड साइड साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, मतलब साइड 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 क्रिटेरिया से क्या होगा, ये सिमिलर हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ सर, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय किससे, साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी से। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। भाई हमने क्या कर लिया, और हमने देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब सिमिलर कर दिए तो देखो एक चीज़ देखते हैं हम, कि इस साइड को कैसे निकालें। इतनी तो पता है, देखो ये बराबर है इसके, और पूरी बी सी बराबर है इसके क्यू आर के। तो हम एक काम करें, इस पूरे ट्राइंगल में, ये जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, और इधर पी क्यू आर में, अगर इस एंगल को देखा जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे। तो इस पे ही पहले प्रूफ कर लें इसे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किस में, ए बी सी में, एंड ट्राइंगल किस में, पी क्यू आर में, ठीक। इसमें क्या करें, देखो हमें ऊपर से क्या गिवन है, कि ए बी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन पी क्यू, दिख रहा ना, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी, बी सी यानी कि देखो दिख रही है ना, ये बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक। तो मैं क्या लिखूँ सर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हमें गिवन है, ठीक, गिवन है ना। अब हम एक चीज और देखते हैं, कि
थोड़ा इधर आ जाऊं मैं। एंगल कौन सा, बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी बराबर है ठीक है। ये किससे, ये हम बता चुके हैं पहले ही, कहाँ पे, यहाँ से बता चुके हैं कि साइड साइड एंगल से ये बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक चीज़ कि इसी के आगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है ठीक है। इक्वेशन नंबर टू मान लो इसे ठीक, इसी में ही तो इसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू ठीक, ये भी होगा। तो एक बात तो बताओ, देखो अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल में इस पूरे ट्रायंगल में लेके चल रहे ए बी सी में और पी क्यू आर में, ये साइड इसके, ये पूरी साइड बी सी इस पूरी साइड के, और ये एंगल, ये एंगल, तो ये क्या हो गया साइड एंगल साइड ठीक है। साइड एंगल देखो जरा गौर से, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के, और एंगल भी एंगल क्यू के। तो इस पूरे ट्राइंगल में क्या चीज हो गई, साइड एंगल साइड, दिख रहा ना कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम ये दिखा देंगे कि ट्राइंगल कौन सा ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के, बाय किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, क्लियर है ठीक है। समझ लो थोड़ा, एक बार आप फिर से दोबारा से देख लेते हैं भाई। दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी ठीक है, इधर क्या है पी क्यू आर, इसका मिडिल क्या है डी बी सी पर कौन सा मिडिल है ए डी, इधर क्यू आर पर कौन सा पी एम ठीक। अब हम ये देखें कि हमें ये तो पता चल गया कि ए बी अपॉन क्या हो गया पी क्यू, और ए डी अपॉन पी एम, और बी सी अपॉन क्या हो गया क्यू आर, ये चीज गिवन है हमें ठीक है। अच्छा जी, प्रूफ करना है क्या ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले जो गिवन है उसे रखा, उसमें अब क्या करा, इस ट्राइंगल को देखते हुए हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हम इसको आधा कर लें भाई। बी सी का अगर मैं आधा कर दूँ, बी सी का आधा कर दूँ, तो ये बी डी और क्या हो जाएगा सी डी, ये बराबर हो जाएंगे ठीक है। ऐसी क्यू आर का आधा कर दूँ तो क्यू एम और क्या हो जाएगा एम आर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने ये करा, बी सी अपॉन टू कर दिया और क्यू आर अपॉन टू कर दिया ठीक है। क्योंकि जो भी हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ करने पड़ते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ठीक है। इनको ऐसे छोड़ दिया दोनों को, अब इसको हमने लिख दिया बी डी अपॉन क्यू आर। तो हमने क्या उठा लिया, ये दो ट्रायंगल उठा लिए ए बी डी और पी क्यू एम, ये ट्रायंगल उठा लिए। अब इसमें क्या हो गया, ये साइड और ये साइड, तीन साइड दिख रहे हैं, एक दो तीन साइड ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इन तीनों साइडों को इक्वल कर दिया। तो ये तीनों साइड इक्वल होने के बाद हमने कह दिया कि इक्वेशन वन हो गई। अब हम चल रहे हैं किसमें, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए बी डी में और पी क्यू एम में चल रहे हैं ठीक है। इनमें क्या ये चीज़ हमें गिवन है, हमने प्रूफ कर दिया इक्वेशन वन पे, तो हमने कर दिया फ्रॉम इक्वेशन वन से ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये दिखा रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, देखो ये प्रूफ कर दिया, और हमने एक चीज़ और कर ली कि ये जो ट्राइंगल है तुम्हारा, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू दोनों आपस में बराबर हो गया इसी इक्वेशन में ठीक है। तो हमने इसे दिखा दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर हैं। तो अब हम चल रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में, दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं ठीक है, एबीसी और इसमें पीक्यूआर में। तो वो क्या होगा, ऊपर से हमें पता ही है कि इसमें गिवन हमने प्रूफ कर दिया एबी अपॉन पीक्यू, और क्या हुआ बीसी अपॉन क्यूआर, ये गिवन है ठीक है। और एक एंगल और गिवन हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से। तो जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के, क्यों, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है पढ़ते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी, शो दैट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। समझते हैं क्वेश्चन को ट्राइंगल के थ्रू, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम ए बी सी ठीक है। ट्राइंगल बनाया तो उस पर
डी पॉइंट लेना किस पर, साइड बी सी पर, बी सी पर कोई डी पॉइंट लेना, ले लिया। तो हमने अब ये एक लाइन खींच ड्रॉ कर ली ए डी, ठीक। तो ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, और उसमें लाइन क्या है बीच में, ए डी, ठीक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डी ए सी, सॉरी ए डी सी, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ये जो एंगल बन रहा है इस पर डी जो है, ये किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी के, कौन से बी ए सी के, यानी कि एंगल डी और एंगल ए दोनों बराबर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो शो करना है हमको क्या, कि सी ए का स्क्वायर, सी ए कहाँ है, सी से लेके ए, ये जो है सी ए का स्क्वायर इजिकल टू बी सी बी, सी बी कहाँ है, सी से बी इंटू सी से डी, ये जो दो तो लाइन आ रही है इसमें, ठीक है, इनके इंटू ऑप्स में किसके बराबर होंगे, ए सी सी ए के स्क्वायर के। अब देखते हैं कैसे करें। तो हमें सबसे पहले जो गिवन दे रखा है हम उसे लिखते हैं, गिवन है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल ए डी सी किसके बराबर है, बी ए सी के, ठीक है, अच्छी बात है। और प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ ये करना है कि सी का स्क्वायर इजिकल टू बी सी बी इंटू सी डी। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस डायग्राम के दो टुकड़े करता हूँ। मैंने क्या बनाया, ए डी सी एक ट्रायंगल बना लिया, और इधर बना लिया ए बी सी अलग ट्रायंगल बना लिया, जिसमें डी और एंगल ए दोनों ट्रायंगलों में आपस में बराबर है, ठीक है, ये ऊपर गिवन है, ठीक, गिवन है, अच्छी बात है। तो अब हम इसे कैसे करना शुरू करें, इसे हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे पास, अब कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है सी ए डी, देखो सी ए डी दिख रहा, इन ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी, एंड ट्राइंगल कौन सा, इधर का दूसरा ट्राइंगल ले लो, ये कौन सा, सी बी ए, सी बी ए दिख रहा, सी बी ए, ठीक, सी बी ए ट्राइंगल, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। अब इसमें देखो एक चीज देखो, यहाँ पर एंगल सी और इसमें भी एंगल सी, इस दोनों तरफ कॉमन है, दिख रहा है ना, दिख रहा है दोनों तरफ कॉमन है, तो मैं क्या लिख लूँ कि एंगल सी इजिकल टू एंगल सी, कैसे, कॉमन है, ठीक, अच्छी बात है। अब दूसरा क्या देखते हैं, कि देखो ये चीज हमें ऊपर गिवन है कि ये जो तुम्हारा एंगल ए डी सी और बी ए सी, तो यहाँ लिख दूं मैं एंगल डी ए डी सी इजिकल टू होगा किसके, बी ए सी, ठीक है, ये कैसा है, गिवन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए इजिकल टू एंगल डी, दोनों बराबर है, ठीक है, और करके बात तो वही है ना, वही एंगल डी और एंगल ए बराबर है, ये हमें दे रखा है गिवन, ठीक। तो अब हम पे क्या चीज हो गई, देखो एक तो एंगल आ, एक तो ये एंगल आ गया, एक ये का एंगल आ गया, इस ट्रायंगल में सी सी के बराबर, इस ट्रायंगल में ए और डी बराबर। तो हम एक चीज लिख सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी बी ए के, ठीक है, किस वजह से, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सही है, समझ में आ गया ना। और जब एक चीज बताओ, जब ये दोनों ट्राइंगल ही हमें सिमिलर प्रूफ करती है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी तो कैसे होंगी, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशो होंगे वो भी तो आपस में सिमिलर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो सी ए क्या, सी ए इस साइड, इसका साइड इस वाले का सी ए, और इसका कौन सा है, सी बी, सी बी, सी बी इजिकल टू सी डी, किसके, सी डी अपॉन सी डी इसका होगा, तो इसका सी ए हो जाएगा, सी ए, ठीक है, इनके क्या है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख दूँ, क्या लिख दूं, मैं लिख दूं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो ऑफ अ टू ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, देखो मुझे क्या लाना है, मुझे ये लाना है ए सी का स्क्वायर, सॉरी सी ए का स्क्वायर इजिकल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखो मैं अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे, सी ए इंटू सी ए, सी ए इंटू सी ए इजिकल टू, ये क्या हो गया, इसके बाद में हो गया सी बी
इंटू सी डी, ठीक दिख रहा है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, सी ए इंटू सी ए, मैं लिख सकता हूँ सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो यही तो मुझको लाना था, यही तो मुझको प्रूफ करना था, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक समझ आ गया ना कैसे कैसे चले भाई। मैं मेरे को ये प्रूव करना था जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके हिसाब से एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें क्या है कि बीसी पर कोई पॉइंट डी है, इसको मिला दिया हमने, एडी बना दिया। अब एडी मिलाने के बाद तो ये कह रहे हैं कि एंगल डी और एंगल ए दोनों आपस में बराबर हैं। ये मैंने क्या करा, मैंने दो ट्राइंगल बना दिए, ठीक है, और इसके हिसाब से एंगल डी और एंगल ए बराबर हैं। तो जब देखो ये दो ट्राइंगल जो हैं, इसमें ए बी ए डी सी आ रहा, इसमें क्या रहा ए बी सी आ रहा, तो यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है हमें, हमें ये दिख रहा है कि सी दोनों तरफ आ रहा, तो दोनों एंगल दोनों में सी सी बराबर हो जाएंगे। तो मैंने दिखा दिया दोनों में सी सी क्या है, गिवन है, कॉमन है, ठीक कॉमन है ना दोनों में, दोनों में सी सी कॉमन है। और इधर ये जो एंगल डी और एंगल ए जो है ये गिवन है, ठीक है दोनों गिवन है, तो ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। किसकी वजह से, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब ये दोनों प्रूफ हो गए तो इनकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उनके रेशो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने क्या लिखा, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी, और इधर सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया, सी ए इंटू सी ए इजिकल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। तो सी ए इंटू सी ए क्या होता है, सी ए का स्क्वायर इजिकल टू, ये ऐसे ही रहने दो, यही मुझे प्रूफ करना था, ये मैंने कर दिया, ठीक है क्लियर है बेटा। अगर वीडियो से कुछ समझ में आता है, ठीक है, और कुछ नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th यूनिट ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं इसको। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, उसकी साइड क्या है ए बी, ए सी और ए डी, ए डी क्या है मीडियन है, मीडियन, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनके रेशो बराबर हैं। टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, यानी दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैंने पहले से बना कर रखे हैं पी क्यू आर, इसमें पी क्यू पी आर और मिडिल वाला कौन सा पी एम, इनके रेशियो भी आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो शो करो कि ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर के सिमिलर होगा, ठीक है। पर एक चीज़ देखो, देखो हमें यहाँ साइड 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 तो गिवन है, ठीक है, और इसमें भी साइड 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 गिवन है, मगर मैं जब किसी ट्राइंगल को दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइड एंगल साइड। तो यहाँ साइड ये है, ये साइड है, ट्रायंगल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड साइड या ये साइड, भाई ये साइड री साइड तो हमें गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है पी क्यू के, ए सी किसके इक्वल है पी आर के, लेकिन हमें तीसरी साइड थोड़ी दे रखी है कि बी सी इक्वल है क्यू आर के, नहीं दे रखी ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँ कि एक काम करूँ, ये साइड यूज़ करूँ, ए साइड यूज़ करूँ, दोनों साइड हैं, ठीक है। और अगर इस एंगल को मैं कैसी बराबर प्रूफ कर लूँ कि एंगल ए और एंगल पी दोनों आपस में बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड से मेरे को दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लूँ, ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा ना, ऐसे बढ़ा लूँ, ठीक है, इधर इसको ऐसे बढ़ा लूँ, ठीक दिख गया, ऐसे बढ़ा लूँ, तो ठीक है। तो इसको बढ़ाने के बाद मैं ये D को तो E पॉइंट तक बढ़ा लूँ और M को N पॉइंट तक बढ़ा लूँ, ठीक है, दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे देखो एक चीज़ करनी पड़ेगी कि एक तो ये एंगल इसके बराबर कर लूँ, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, कर लूँ तो एक चीज़ मिल जाएगी मुझे, ये ट्रायंगल मिलेगा पूरा ए ई सी और पी एन आर, ठीक है, दिख रहा ना। ये ट्रायंगल अगर मैं क्या कर लूँ, पूरा का पूरा एक कर लूँ प्रूफ,
ये ट्रायंगल इसके सिमिलर कर लूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर ये ट्रायंगल मैंने प्रूव कर लिया तो मुझे ये पता चल जाएगी, देखो ये और ये बराबर हो जाएंगे, बराबर होने के बाद इससे ये बराबर हो जाएगा एंगल, ऐसी ये और ये बराबर हो गए तो फिर क्या होगा, इससे ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में, ये जो एंगल ना सपोज करो ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है, तो इन वन और थ्री को प्लस कर दूंगा, टू और फोर को प्लस कर दूंगा, तो एंगल ए मिल जाएगा, एंगल बी मिल जाएगा, समझ में आया ना। तो इसको हम करते हैं, देखो अब समझ, ये जो मैंने कहा ना इसको करके दिखाते हैं, ठीक है अब समझ में आएगा तब। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि गिवन में लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ गिवन में कि ए डी और पी एम, ए डी और पी एम ठीक है आर द मिडल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ठीक है, इधर पी क्यू आर के मिडल हैं। तो जब ये दे रखे हैं, ये गिवन है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है, ठीक अच्छी बात है। अब हम क्या करें, प्रूव करने, टू प्रूव, प्रूव में क्या लिखना कि ये ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर प्रूव करना, पी क्यू आर के, ये मैंने लिख लिया ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा इसमें, क्या जो मैंने अभी बताया था कि ए डी को प्रोड्यूस कर दूं, मैं आगे बढ़ा दूं ई पॉइंट तक, ए डी को प्रोड्यूस करके ई पॉइंट तक बढ़ा दूं, और ऐसे ही पी एम को प्रोड्यूस करके एन तक मिला दूं, बढ़ा दूं, और फिर क्या कर दूं सी और ई को आपस में मिला दूं और इसको आर को एन तक ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लिख दिया क्या, प्रोड्यूस ए डी टू ई पॉइंट तक एंड पी एम टू एन पॉइंट तक। तो देखो एक चीज़ बताओ, मैंने इतना बढ़ाया है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है समझ में आया ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए डी बराबर हो गया टी ई के, इधर पी एम बराबर हो गया एम एन के, ये मैं लिख दिया ए डी इजिकल टू डी ई और पी एम इजिकल टू एम एन, ठीक है क्लियर है। तो अब मैं इससे आगे प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ लेना पड़ेगा, जो मुझे दे रखा मैं इसी को ले लूँ, मैं लिख लूँ ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए डी अपॉन पी एम, ये क्या है गिवन है, ठीक ये गिवन है। तो अब देखो एक चीज़ देखो, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको डबल कर दूँ, मतलब इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ टू टू की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिलेगा टू ए डी अपॉन टू पी एम। देखो हम जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साथ करते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करनी पड़ेगी, डिवाइड ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करनी पड़ेगी, प्लस ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ये रूल सबको पता है ना, ठीक है। और इसको ऐसे उतार दो जो है ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टू ए डी को क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस का ए डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसको पी एम को क्या लिख सकता हूँ, पी एम प्लस का पी एम लिख सकता हूँ, ठीक। इनको ऐसे उतार दो बिल्कुल, क्या ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए बी अपॉन पी क्यू, करेक्ट है। अब क्या करें, देखो मैंने पहले ही कहा था कि ए डी और डी ई मतलब जितना ये उतना ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डी तो लिख ही सकता हूँ, प्लस का डी ई भी तो लिख सकता हूँ, चाहे डी ई ठीक है। ऐसी इसको क्या करूँ नीचे वाले को, भाई पी एम और एम एन ठीक है, पी एम प्लस का एम एन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई दोनों बराबर, जितनी ये इतनी ये, ऐसी इतनी ये इतनी ये, ठीक है। तो इनको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी इसको एज इट उतार दो बिल्कुल, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक। तो अब एक चीज़ देखो आप कि ये प्लस का ये इजिकल टू ये, यानी कि ए डी प्लस का डी ई, ए डी प्लस का डी ई इजिकल टू ए ई इजिकल टू ई, तो मैं इसको ए ई लिख सकता हूँ, ए ई लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और इधर पी एम प्लस का एम एन इजिकल टू पी एन, इसको लिख दो पी एन, ठीक इजिकल टू ए सी, यही लिख दो पी आर बी सेम उतार दो ऐसी, ए बी अपॉन पी क्यू भी ऐसी उतार दो, ठीक है। ये इतनी बात समझ में, इसको मैं लिख लूँ इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब मैं क्या करूँ कि ट्रायंगल ए बी डी, और देखो ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल को ले लूँ भाई, मैंने ये तो प्रूफ कर दिया, ये तो हमने कर लिया, रेशो ले लिए, ये काम आएंगे अभी आगे, अरे ऐसे इसको ले लिया,
अब मैं क्या करूं, ए डी बी और सी डी ई, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में ले लूं, समझ में आया ना, ए डी बी ले लूं और ई डी सी ले लूं, ठीक है। इसको क्या करूंगा, देखो ये आपस में क्रॉस का साइन बना रहे हैं, तो यहाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे ये वाले दोनों, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और ये तो है ही भाई, एक तो एंगल हो गया और एक तुम्हारी क्या हो गई, देखो ये वैसे भी आपस में बराबर होंगे दोनों, क्योंकि मिडिल में मिडिल है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या बी डी और डी सी, ठीक है। एक तो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, ठीक, और ये साइड मिल गई क्योंकि आधी है, तो ए डी और डी बी, जब तीनों चीज़ मिल गई तो चौथी चीज़ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वैसे बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, अब एक काम करें, ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, ए डी बी और ई डी सी, देखो ए डी बी, यहाँ देखो ए डी बी दिख रहा ना, ए डी बी और ई डी सी दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं आमने सामने के, तो जब ये ले लिए तो हमें क्या पता है, देखो ए डी बराबर है किसके, डी ई के, ये लिख लूँ इस बात को, तो मैंने क्या लिखा, ए डी बराबर है ई डी के, ठीक है, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन के, ठीक। अब दूसरा क्या लिखते हैं कि ये बी डी और डी सी, बी डी और डी सी बराबर है, ठीक है, तो गिवन है भाई, बी डी और डी सी गिवन है, इसे लिख लूँ, बी डी और डी सी, ये क्या है, गिवन है, ठीक, ये दोनों मिल गई। तो अब एक एंगल और देख लें, कौन सा एंगल, देखो एंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, और एंगल ई डी सी, सामने सामने के दिख रहे हैं ना, जिनके कोने आपस में मिल रहे हैं, तो ये कोने आपस में मिले होते हैं तो किस में होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, होते हैं, तो हम क्या लिख लें, इसे लिख लूँ मैं ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा ट्राइंगल ई ई डी सी, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, बराबर हो गए। तो अब हमें क्या चीज़ मिल गई, हमें तीन चीज़ मिल गई क्या करने के लिए, कि ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ई डी सी के, ठीक, कॉन्ग्रेंट क्यों होगा भैया, ये होगा हमें प्रॉपर्टी क्या मिल गई, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, भाई पहले मैंने बताया था, कि देखो एक तो साइड ये होगी इसके, इसके साइड के बराबर ये, इस साइड के बराबर ये, और एक दोनों आपस में एंगल बराबर हो गए, तो दोनों क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो भैया ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो और ये एंगल बराबर इसके, तो जब ये सारे बराबर हो गए तो ए बी और ई सी भी तो बराबर होंगे, किससे, बाय सी पी सी डी से। तो मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं ये लिख रहा हूं कि ए बी इज इक्वल टू किसके होगा भाई, देखो ए बी किसके, ई सी के, ई सी के बराबर होगा, क्या, किस वजह से, बाय सी पी सी डी, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना, सी पी सी डी लिख दिया मैंने। अब क्या करें कि सिमिलर ऐसे ही, सिमिलर, देखो जब हमने इसको प्रूफ कर लिया कि ए बी बराबर है किसके, ई सी के, तो ऐसे ही ये भी तो दूसरा, दूसरा भी तो ट्राइंगल, ट्राइंगल है, इसमें क्या है कि पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, आर एन के या एन आर के, हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कैसे लिख रहे हैं, सिमिलर के पी क्यू बराबर होगा एन आर के, ठीक, समझ में आया ना भाई, पी क्यू बराबर होगा एन आर के, ठीक। अब ये भी हमने प्रूफ कर दिया, अब देखो आगे क्या करें, अब मैं आगे लिखता हूँ कि इक्वेशन फ्रॉम, इक्वेशन वन से, वन इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो ये लिख रही वन इक्वेशन, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी एन,
इसका यूज करेंगे। अब कैसे यूज करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ इसे, क्या लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए ई अपॉन पी एन, ठीक, ये मैंने लिखा। तो इसका मैं क्या करूँ, देखो इसको जो हमने ऊपर लिखा था, अभी ए बी की जगह क्या यूज़ करा हमने, ई सी, तो मैं यहाँ क्या कर लूँ, ई सी अपॉन पी क्यू की जगह एन आर, तो मैं लिख लूँ एन आर। अब बाकी ऐसे उठा दो, ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए ई अपॉन पी एन, ठीक, ये मैंने उतार दिया। अब ये क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूँ टू, ठीक, ये दे दिया। तो अब मैं चल रहा हूँ किस में, ट्राइंगल इन ट्राइंगल किस में, ए ई सी एंड ट्राइंगल किस में, पी एन आर। देखो ए ई सी कहाँ है, यहाँ पे देखो ए ई सी, ए ई सी दिख रहा ना, ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा ना आप, जिसकी हम बात कर रहे थे, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, इधर पी एन आर ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्राइंगलों में क्या है, देखो जरा, इन ट्राइंगल में हमने ऊपर प्रूफ कर रखा, तो मैं इसको वापस लिख लूँ, मैं इसको क्या लिख लूँ कि ई सी अपॉन एन आर इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए ई अपॉन पी एन, ठीक है। ये कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन टू से, ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद में मैं क्या करूँ कि ये तो मिल गया मुझे, अब ट्रायंगल मैंने देखो सारी क्या चीज़ें, साइड और साइड, साइड और साइड और साइड, यानी तीन साइड हैं जो इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए ई सी कॉन्ग्रेंट होगा इसके ट्रायंगल पी एन आर के, ठीक है, किससे, बाय साइड 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 सिमिलरिटी से। भाई कर दिया ना, कर दिया प्रूफ हमने, क्या कर दिया, साइड ये पूरी साइड सी इस साइड के, ये ए ई किसके पैरेलल है, इक्वल है पी एन के, और ए सी किसके, पी आर के, और ये आर एन और इधर ई सी, हो गया ना पैरेलल। तो हमने साइड 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 क्राइटेरिया से इसको हमने सिमिलर कर दिया, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गया, तो अब क्या करें हम, देखो अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, देखो जो हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये तो हमें पहले पता था कि थ्री और फोर बराबर है, इधर वन और टू हमने प्रूफ कर दिया बराबर, तो मैं क्या लिखूं, मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल वन इजिकल टू एंगल टू के बराबर, ठीक, और ये इसको लिख लें हम इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है जी, इसे लिख लिया। और सिमिलर ऐसे ही भाई, वन और तुम्हारा टू बराबर, थ्री और फोर बराबर, इसे भी लिख लें, कैसे, थ्री और फोर बराबर, इसको लिख लो फोर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक काम करूँ कि एडिंग बोथ इक्वेशन, बोथ थ्री एंड फोर को ऐड कर रहा हूँ मैं, कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें एंगल वन प्लस का एंगल थ्री इजिकल टू एंगल टू प्लस का एंगल फोर, ठीक है, इनको प्लस कर दूँ। देखो वन और थ्री, वन और थ्री मिलकर क्या बन गया, ए, वन और थ्री मिलकर क्या बन गया, ए, और टू और फोर मिलकर क्या बन गया, पी। तो मुझे तो यही चाहिए था भाई, एंगल ये क्या है, ए, और ये क्या है, एंगल पी। तो जब हमने ये चीज़ देखा, ये चीज़ गिवन थी हमें, ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के, तो हमने तीसरा तो ये चीज़ निकाल ली, एक एंगल तो निकाल लिया कि एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, भाई यही चीज़ तो चाहिए थी हमको, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, दूसरी साइड है, एक साइड और दूसरी साइड दे रखी है, ठीक है ना, और एक एंगल हमने बराबर प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल बराबर है। तो हमें यही तो करना था, हमने यही तो कर लिया। अब हमने क्या करा कि साइड तो हमें गिवन है और एंगल हमें प्रूफ कर दिए, तो जब प्रूफ कर दी तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इनमें क्या है, ठीक है, इनमें हमने क्या लिखा कि हमें जो गिवन था पहले क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू,
इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये क्या था गिवन, ठीक ये गिवन था। और हमने अब एंगल ए और एंगल पी प्रूफ कर दिए बराबर, ये क्या कर दिए प्रूव्ड है पहले से, यहाँ प्रूफ कर दिए ऊपर प्रूव, ठीक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, किससे, ये हो गया बाय साइड एंगल साइड, ठीक क्राइटेरिया से। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, आगे समझ में, एक दो से हेंस प्रूव प्रूव्ड, क्लियर समझ में आ गया ना। अगर बेटा समझ में आता तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो इसने कहा है कि एक तो पोल है और एक टावर है, ठीक है, एक पोल है, मैंने माना पोल को पी क्यू, ठीक है, और ग्राउंड से उस पोल का एंगल बन रहा है कोई आर, और ऐसी टावर का ग्राउंड से कोई एंगल बन रहा है सी, टावर को लिया है ए बी, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं किससे बन रहे हैं, सन से, सनलाइट जो पड़ रही है टावर पे और पोल पर वो बिल्कुल सेम टाइम पड़ रही है, ठीक है ना, और तो उनके जो शेडो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, बी सी और क्यू आर, ठीक है, ये शेडो बन रहे हैं। तो जो टावर है उसे मैंने माना है ए बी और पोल को माना है पी क्यू, ठीक है, शेडो बी सी और पी ये क्यू आर, ठीक है। तो जो जो वर्टिकली जो खड़े हुए टावर और पोल हैं इनको हमने क्या माना, ये तो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब हम एक काम करें कि सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन रख दे रखी है उसे हम लिख लें, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ पोल, पोल की लेंथ कितनी दे रखी है, पोल की लेंथ दे रखी है 6 मीटर, ठीक है, शेडो ऑफ पोल, शेडो ऑफ पोल कितना है क्यू आर, ये कितना 4 मीटर, ठीक है। इधर लेंथ ऑफ टावर क्या है ए बी, ये हमें निकालनी है, ठीक, और ये क्या है शेडो ऑफ टावर बी सी कितनी है 28 मीटर, ठीक, ये चीज़ तो हमने रख ली। अब क्या करेंगे इन ट्राइंगल, देखो अब मुझे क्या करना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दूं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनके जो रेशोज आएंगे, ठीक है ना, साइडों के रेशो आएंगे वो भी सिमिलर आएंगे, बराबर आएंगे, तो उनसे मैं क्या करूँगा कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर करके मैं उनसे सॉल्यूशन ले लूँगा किसका, ए बी का, ठीक है, ए बी को लूँगा। अभी कैसे निकालूंगा देखते हैं। अब मैंने क्या लिया इन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो दोनों ट्राइंगल में क्या गिवन है, ये एंगल बी और एंगल क्यू दोनों कैसे हैं 90 के, तो मैं लिख दूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या है ईच 90 डिग्री, ठीक। दूसरा एंगल सी और एंगल आर कैसे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बाय सन, सन से बन रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या करा कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखो साइड क्या है ए बी किसके, ये सिमिलर होगी पी क्यू के, ठीक है, और ये बी सी क्यू आर के, तो मैंने ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर लिख लिया, ठीक है।
रीजन दे दो इसका, क्या लिख दूं, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या रख लूँ, इनकी वैल्यू रख लूँ, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास है 6 इजिकल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू मेरे पास 28 है, और क्यू आर कितना है, ये 4 है। ठीक, अब मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई ए बी इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई 28। ठीक, तो मैं क्या करूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा क्या लिख लूँ, 4 मल्टीप्लाई ए बी इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई 28, ये था हमारा। तो मैं क्या करूँगा, ए बी इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई ए 28 सॉरी अपॉन में, ये नीचे चले जाएगी 4, 4 से कितने बार मिलेगा, 7 बार, तो क्या लिखूँ, 6 मल्टीप्लाई 7 तो क्या होगा, 42 मीटर। ए बी की लेंथ कितने के लिए, 42 मीटर। ठीक, तो मुझे ए बी चाहिए थी, क्या चाहिए थी, मुझे चाहिए थी ए बी यानी कि 42 मीटर उसकी किसकी, टावर की लेंथ है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा PQR के, तो प्रूव करना है हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देखो, पहले तो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल क्या है, ABC, ठीक है, और PQR, तो इन ट्राइंगल में AD क्या है, मीडियन है किसका, BC का, इधर PM है मीडियन, ठीक है, QR का, तो इसका मतलब अगर ये मीडियन है तो ये क्या होगा, AD बराबर होगा DC के, और QM बराबर होगा किसके, MR के, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब जो है हमें क्या प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये देखो कहाँ है, ये कौन से ट्रायंगल में आते हैं, AD, AB कहाँ है, AB ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाली लाइन है, ठीक है, और PQ कौन सी है, ये रही, ठीक, और AD कहाँ है, ये रहा AD, दिख रहा ना AD, और ये PM, तो इसका मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल चाहिए, कौन कौन से, ABD और PQM, ठीक, हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने होंगे, तब जाके हम ये रेशो ला सकते हैं। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कब कर सकते हैं, देखो दो साइड्स की हुई ना, एक हमें एंगल चाहिए, ये एंगल भी हमें रखना होगा साथ में, ठीक, तो अब देखो कैसे करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है AD एंड PM आर द टू रेशियो मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR, ठीक है, दोनों AD और PM क्या है, मीडियन है ट्रायंगल किसके, ABC के और PQR के, ठीक है, तो और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC और PQR, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है, अब इसी से करना चालू करेंगे, तो प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना AB अपॉन PQ इजिकल टू AD अपॉन PM, ठीक, तो हम क्या लिखे हैं, हम सबसे पहले एक काम करें, जो हमें गिवन है इसको लेते हैं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये गिवन है हमें, ठीक है, इस गिवन से निकलना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करें, जब ये गिवन है तो हम हमारे रेशियो जो है इनके साइड भी कैसे होंगे, प्रोपोर्शन होंगी, ए बी अपॉन देखो ये वाले दोनों साइड और इधर ये वाली साइड पी क्यू, ठीक है, इजिकल टू फिर क्या लें, देखो बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, और अब क्या बच रही है, ए सी बच रही है एक साइड, ए सी अपॉन पी आर, ठीक, तो ये हमारे इसके तीनों साइड हो गई,
ठीक है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हो गई। तो अब हम इसी से यूज़ करेंगे, ये क्यों प्रोपोर्शनल है इसकी रीजन दे दो। हमने क्या लिखा रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशो इन टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो अब देखो हमें इसमें से क्या चीज़ चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसे उठा लेते हैं। एक तो हमें चाहिए क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी भी ले लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। इसे क्यों लेते हैं, देखो ए बी तो आ रही है इसमें, पी क्यू भी आ रही है, बी सी का आधा कर लेंगे तो बी डी मिल जाएगा और क्यू आर का आधा कर लेंगे तो क्यू एम मिल जाएगा। इस वजह से हमने ये साइड उठाई है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी को ए बी लिखूँ अपॉन पी क्यू भी लिख लूँ इजिकल टू, ये जो बी सी है, बी सी का मतलब क्या है कि बी सी ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस का डी सी। तो मैं इसे लिख रहा हूँ बी सी प्लस का डी सी। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख लूँ, ये क्या है पूरी लाइन क्यू आर है, क्यू लाइन क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम प्लस का एम आर, क्यू एम प्लस का एम आर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको क्यू एम प्लस का एम आर। ठीक है, लिख लिया मैंने ये। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू, ये जो बी सी प्लस का बी सी लिख सकता है ऐसे मैं भाई, एक बार देखो देखो बी डी और डी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो बी डी की जगह मैं बी डी सी भी यूज़ कर सकता हूँ और डी सी की जगह मैं बी डी भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे इसी में कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया, बी सी प्लस बी सी और क्यू एम प्लस का क्यू एम। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये हमें गिवन है, गिवन है। ठीक है, गिवन है तो हम इससे क्या लिख लेंगे, हम लिख देंगे कि बी सी इजी बराबर किसके है, डी सी के, और क्यू एम, क्यू एम किसके बराबर है, एम आर के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं देखो ये बी सी, ये बी सी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टू बी सी अपॉन क्यू एम प्लस का क्यू एम, टू क्यू एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, अब ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू एम। ठीक, ये चीज़ मिल गई मुझे। अब देखो मुझे इतना मिल गया, ए बी, ए बी और ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया और बी डी अपॉन क्यू एम मिल गया। ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम मिल गया। अब ये दो साइड तो मिल गई, एक एंगल और चाहिए मुझे, एंगल बी और एंगल क्यू। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूँ इसमें, अब मैं इसमें लिखता हूँ कि इसे तो डाल दो इक्वेशन नंबर वन डाल दो। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा कि इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इसमें ठीक है क्या चीज़ है मुझे गिवन है, मतलब पहले ऊपर दिखा चुका हूँ मैं, प्रूव कर चुका हूँ क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू एम। ठीक है, प्रूव्ड करा ऊपर बाय इक्वेशन वन से। ठीक है, अब देखो इसमें देखो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों ऑप्शन बराबर क्यों होंगे, क्योंकि हमें ये पहले से ही सिमिलर दे रखे हैं, ये हमें पहले से ही सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है ना, दोनों सिमिलर हैं, जब दो एंगल सिमिलर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, साइड साइड के सिमिलर होगी दूसरे के, दूसरी साइड दूसरी साइड के सिमिलर होगी, ये एंगल भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, मैं इसको लिख दूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इस वजह से हमने लिख दिया सर। ठीक है, अब ये हमने देखो दो तो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया, मिल गया ना मिल गया, तो अब मैं क्या लिखूँगा कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, सिमिलर हो गया ना, किससे, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो अब देखो मैं क्या लिखूँगा कि ए बी साइड ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, ए डी, दिख रही है ए डी वाली साइड, ए डी अपॉन पी एम, पी एम, ठीक है। तो यही तो हमें चाहिए था, इसका रीजन लिख देता हूँ मैं, क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, रेशो इन टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये दे दिया मैंने, ये रेशो दे दिया। तो अब मुझे क्या प्रूव करना था, देखो ये रहा प्रूव, ये तो प्रूव करना था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, और यही मैंने इसको ला दिया, ठीक है। तो इसे के इसे जो प्रूव कर दिया, तो हम इसे लिखते हैं हैंस प्रूव, प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।